किसी इंसान के खराब ऑर्गन को बदलकर नया देना बीमार व्यक्ति को जीवन दान देने से बेहतर काम नहीं है। किडनी लीवर का सफल ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने हेड ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है? नहीं। दुनिया के पहले हेड ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया का पहला मानव हेड ट्रांसप्लांट, डॉक्टर बदल डालेंगे एक शख्स का पूरा सिर, 80 डॉक्टरों की टीम करेगी ऑपरेशन। ट्रांसप्लांट कामयाब ना हुआ तो डॉक्टरों पर चलेगा मर्डर का केस। आपने कई बार किडनी लीवर का ट्रांसप्लांट होते सुना होगा, दिल के ट्रांसप्लांट के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन क्या कभी किसी इंसान के सिर के ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है आपने? दुनिया में पहली बार होने जा रहा है मानव सिर का प्रत्यारोपण। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर कोई तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो साल 2017 के शुरुआती महीनों में 31 साल के वैलेरी स्पिदिनोव का सिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। रशियन कंप्यूटर वैज्ञानिक वैलेरी स्पिदिनोव को वर्डनिंग हॉफमैन नाम की बीमारी है, जो एक बेहद ही खतरनाक जेनेटिक डिजीज है। उनकी ये बीमारी जानलेवा तो है ही, साथ ही डॉक्टरों के मुताबिक वो कभी भी मर सकते हैं। चीन और इटली के ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ वैलेरी स्पिदिनोव पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। मानव सिर का ट्रांसप्लांट सफल रहा तो मेडिकल साइंस में कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव होगा। ट्रांसप्लांट कामयाब ना हुआ तो डॉक्टरों पर मर्डर का केस चलेगा। बीजिंग में हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े इटली के 51 वर्षीय सर्जियो कानावेरो और अमेरिका के रहने वाले चीनी सर्जन 55 वर्षीय रेन जियोपिंग और 80 डॉक्टरों की टीम ये ऑपरेशन करेगी। इस ऑपरेशन के लिए दोनों वैज्ञानिकों को विशेष मशीनें बनानी होंगी और सर्जरी का नया तरीका भी तलाशना होगा। माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन चीन में किया जा सकता है, क्योंकि इसे अमेरिका या यूरोप में मंजूरी नहीं मिलने की संभावना है।